एक फ्लो भी चला जाता है, मालूम है कि इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लिसन ईयर, यस माई स्क्रीन इज विजिबल। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अभी जावेद सर को निकाल के मुझे श्रुति को यहाँ पे ऐड करना है, मैंने कर भी दिया था। ओके, तो इसके कारण तकलीफ जाएंगे। तो ये स्टाफ डिटेल के अंदर जाते हैं हम लोग, ये स्टाफ डिटेल, इसके अंदर जाते हैं हम लोग, इसको क्लिक करते हैं हम लोग। इसको क्लिक करने के बाद एडिट में जाते हैं हम लोग। एडिट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऐसा अनचेक रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा अनचेक रहेगा, ऐसा दिखेगा आपको, तो इसको चेक कर लेना आप लोग एंड सेव इट। इसको हम लोग सेव कर देते हैं, सेव कर दिया हम लोगों ने, और उसके बाद इसको रिफ़्रेश कर देना आप लोग। रिफ़्रेश करने के बाद क्या होगा आपका, रिफ़्रेश मैंने कर दिया, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाते हैं, स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाएंगे हम लोग। स्टूडेंट डिटेल आपका रिकॉर्ड है, इसको ऑल कर दीजिएगा आप लोग, ऑल कर दीजिएगा। अभी मैंने चेंज किया यहाँ पे 5 5। ओके, सपोज़ ये चेंज नहीं रहता, एज्यूम करता है, एज्यूम करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे इसमें जाते हैं, 11 में जाता हूँ, एज्यूम करता हूँ मैं, क्लियर गया। ये पहले चेंज कर देता हूँ आपको, उसके बाद समझ में आ जाएगा। इसको क्लिक करूँगा, उसके बाद इसको बता देता हूँ आपको, ये 002 पे रहता है। वेट अ मिनट, है वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ये मैंने चेंज किया था ना इसको, सो दैट्स वाई दे रिक्वायर्ड। मैं उसको मॉडिफाइड करता हूँ, पुरानी इसमें लेके आता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा, 00 में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं। ओके, इसको एज्यूम करते, यहाँ से आप वीडियो को वर्क करना। ओके, वहाँ पे क्लिक कर दिया, आप स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं, यहाँ से फॉलो करना। ओके, यहाँ पे है आपका, और यहाँ पे देखिए दो रिकॉर्ड्स हैं, ये अभी भी जावेद सर है, जावेद सर तो छोड़ के गए, तो मुझे इस रिकॉर्ड के अंदर श्रुति मैम, नई मैम आई है ना, उनका नाम देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा 00, इसमें जाऊँगा, और नीचे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे अभी रीपेरेंटिंग के कारण अभी डेटा यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे जाएंगे 005 ऐड कर देंगे, सेव इट। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं, 004 भी मेरा नंबर, यहाँ पे जावेद सर ही पढ़ाते हैं। ओके, यू गो बैक डाउनवर्ड, यहाँ पे भी 002 है, इसको चेंज कर देंगे हम लोग, इसको चेंज कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे 005 डाल देंगे हम लोग, सेव इट। इसको सेव कर देंगे हम लोग, इसको मैंने सेव कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गए, तो देखिए जहाँ पे जावेद सर पढ़ाते थे वो रिकॉर्ड मैंने किसको दे दिया, श्रुति मैम को दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, स्टाफ डिटेल में जाऊँगा, और अभी जावेद सर छोड़ के गए, तो ये जावेद सर को मैं डिलीट कर दूँगा। क्लियर हो गया आपको? तो मास्टर में क्या होता है, सपोज मैंने पहले ही डिलीट कर दिया रहता है ना जावेद सर को, तो उसके साथ स्टूडेंट रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया रहता है। तो मैंने क्या किया, नया रिकॉर्ड बनाया और उसको पहले अटैच किया, रीपेरेंटिंग करके जो रिकॉर्ड जावेद सर पढ़ाते थे उन स्टूडेंट को मैंने अटैच कर दिया, और अभी वो रिकॉर्ड मैंने श्रुति मैडम के अंडर में ले लिया। अब जावेद सर के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, देखना है आपको, ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे चले जाओ आप लोग, नो रिकॉर्ड। अब इसको ये पर्सन को मैं डिलीट कर सकता हूँ, जावेद सर को। इज इट क्लियर? दैट इज़ द प्रोसीजर, मास्टर रिलेशनशिप में इस तरह से उसको डिलीट किया जाता है। तो अभी इसको अपन डिलीट कर देंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? यस यस सर। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ। इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, सेल्फ ऑब्लिक ओन रिलेशनशिप। सेल्फ ऑब्लिक ओन रिलेशनशिप, हम लोग इसको देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय द सेल्फ, व्हाट इज मीन बाय द ओन रिलेशनशिप। ओके, या इसको हायरार्किकल रिलेशनशिप भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट रहेगा, एज्यूम करते हैं एक ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट देते हैं हम लोग। ओके, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, आपका स्टैंडर्ड भी रह सकता है, कस्टम भी रह सकता है। पहले ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड नाम का एक ऑब्जेक्ट है आपका। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई जेड नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, इज इट क्लियर? ओके, अभी इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग फील्ड देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक फील्ड देते हैं और दूसरी फील्ड यहाँ पे देते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर इसके बीच में अपन रिलेशनशिप लगाएंगे, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर इसी के बीच में अपन रिलेशनशिप लगाएंगे। तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अ सेल्फ ओन और हायरार्किकल रिलेशनशिप, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके,
सेल्फ रिलेशनशिप, ओन रिलेशनशिप और हायरार्किकल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप होता है आपका, एक ऑब्जेक्ट रहेगा एक्स वाई जेड नाम का, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट के बीच में अपन क्या करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट के। अभी तक लुकअप रिलेशनशिप में पैरेंट चाइल्ड था, चाइल्ड के थ्रू पैरेंट को अटैच करते थे। मास्टर में भी पैरेंट और चाइल्ड था, चाइल्ड के थ्रू अपन अटैच करते थे। मतलब मुझे लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर रिलेशनशिप, जंक्शन रिलेशनशिप, जितने भी रिलेशनशिप बनाना है ये सब में मिनिमम दो ऑब्जेक्ट तो भी लगते हैं। लेकिन सेल्फ रिलेशनशिप, ओन रिलेशनशिप या हायरार्की रिलेशनशिप में क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट रहता है और एक ही ऑब्जेक्ट के बीच में अपने को रिलेशनशिप लगाना पड़ता है। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द सेल्फ ओन और हायरार्कीकल रिलेशनशिप। अब इसके रूल्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। पहले देखिए रूल्स ऑफ हायरार्कीकल रिलेशनशिप, ये आप लोग पेज प्रिंट आउट निकाल के रखना रहे, मैं ऐसे ही नहीं दे दे रहा हूँ। रूल्स ऑफ सेल्फ रिलेशनशिप, क्लियर हो गया? पहला रूल बताता हूँ, ओके। सेल्फ रिलेशनशिप जो होता है ना, सेल्फ रिलेशनशिप, ये जो सेल्फ रिलेशनशिप है आपका, ये सेल्फ रिलेशनशिप ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल सी, ये सेल्फ रिलेशनशिप कभी भी याद रखिएगा, इज नॉट वर्क ऑन, इज नॉट वर्क ऑन कस्टम ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर रिलेशनशिप लगाई नहीं जाती है, ओके। कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर रिलेशनशिप नहीं लगाई जाती है, ध्यान देना। दूसरा, ओके, ऑल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, ऑल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी सेल्फ रिलेशनशिप नहीं लगाई जाती है। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ एक ही रहता है जिसके ऊपर अपन रिलेशनशिप लगाते हैं, सबको पता है ये कौन सी है, यूज़र रिलेशनशिप, यूज़र ऑब्जेक्ट करके एक रहता है, इसको ही सिर्फ अपन लोग हायरार्किकल सेल्फ या ओन रिलेशनशिप लगाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, सेल्फ और ओन रिलेशनशिप क्लियर हो गया? एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अपन रिलेशनशिप लगाते, सेम ऑब्जेक्ट के अंदर रिलेशनशिप लगाते, उसको सेल्फ ओन या हायरार्किकल रिलेशनशिप कहते हैं। रूल्स ऑफ सेल्फ और ओन और हायरार्किकल रिलेशनशिप, पहला तो सेल्फ रिलेशनशिप कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है नहीं, कोई भी। दूसरा, जितने भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं सभी के ऊपर सेल्फ ओन या हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं लगता है। तो आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपका हायरार्किकल और सेल्फ और ओन रिलेशनशिप लगता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, मतलब पूछता है आपको, क्लियर हो गया आपको? तो अभी इसको चेक करते हैं, क्लियर हुआ क्या आपको, सेल्फ ओन या हायरार्किकल रिलेशनशिप? यस, जस्ट टेल मी। चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या सर ने बोला है। तो देखिए, ये मास्टर रिलेशनशिप है आपका, देखिए फील्डर रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग। स्टूडेंट डिटेल मेरा कौन सा है, कस्टम ऑब्जेक्ट है ना, फील्डर रिलेशनशिप में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं। देखिए न्यू पे जाएंगे आप लोग, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप कौन से है, लुकअप रिलेशनशिप है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है और एक्स्ट्रा लुकअप रिलेशनशिप है आपका। वहाँ पे हायरार्किकल रिलेशनशिप है क्या, नहीं है। और दूसरा देखते हैं, कोई भी कस्टम रिलेशनशिप में चले जाओ, स्टाफ में जाते हैं हम लोग, स्टाफ में चेक करो आप लोग। फील्डर रिलेशनशिप में जाओ, यहाँ पे न्यू पे जाओ आप लोग, न्यू पे जाने के बाद देखो यहाँ पे भी रिलेशनशिप देखो, रहेगा ही नहीं तो अपन अटैच कर ही नहीं सकते ना स्टाफ के पास। क्या करेंगे, लुकअप कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं या एक्स्ट्रा लुकअप कर सकते हैं, तीसरा नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। कोई और देखिए, कोई भी आप लोग देखिए, इसमें भी देखिए आप लोग, यहाँ पे भी जाइए, यहाँ पे भी आपका अटैच नहीं रहेगा। तो देखिए, तो सेल्फ रिलेशनशिप, ओन रिलेशनशिप और हायरार्किकल रिलेशनशिप आपकी कभी लगती नहीं है, क्लियर हो गया आपको? देखिए यहाँ पे, ये देख लिया। अभी अपन स्टैंडर्ड के पास जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, ये जो है ना आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, अकाउंटर कॉन्टैक्ट, उसके पास जाते हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, अकाउंट के पास जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अकाउंट के पास जाते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड के पास तो मास्टर भी नहीं रहती है, उसके पास सिर्फ लुकअप ही रहती है, एक ही रहती है उसके पास। देखो यहाँ जाते हैं हम लोग, ये रिलेशनशिप देखो, लुकअप रिलेशनशिप। स्टैंडर्ड के पास तो मास्टर भी नहीं रहती है, समझ में आ रहा है? तो सेल्फ रिलेशनशिप रहती नहीं है। आपको देखना है वहाँ पे, जाओ यहाँ पे, इसके ऊपर जाओ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे दो। देखिए ये भी मेरा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, इसके पास भी सेल्फ रिलेशनशिप नहीं है। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग,
तो यहाँ पे सेल्फ रिलेशनशिप रहेंगी नहीं तो अपन वर्क कर ही नहीं सकते। स्टैंडर्ड के पास तो सिर्फ एक ही रहती है, लुकअप रिलेशनशिप। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़र होता है जिसके पास एक ही आपके पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट के पास तो लगती नहीं है। तो यहाँ पे देखो यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट रहता है आपका, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका, मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा आपको, उस प्रोजेक्ट के अंदर ये रिलेशनशिप लगाना पड़ता है, देखेंगे हम लोग। ये देखो न्यू, और यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, दिख गई आपको? यस, क्लियर हुआ क्या? यस, समझ में आ गया आपको रिलेशनशिप, हायरार्किकल रिलेशनशिप। तो आपको क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में तो अभी भी दे सकते हैं आप लोग, हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या होता है आपको समझ में आ गया आपको, व्हाट इज मीन बाय द हायरार्किकल रिलेशनशिप। ओके, तो इसका मतलब क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, हायरार्किकल रिलेशनशिप वो कस्टम ऑब्जेक्ट में नहीं लगता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे, सभी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगता, सिर्फ एक ही आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम यूज़र ऑब्जेक्ट है, इसी के बीच में आपका सेल्फ रिलेशनशिप लगता है। सेल्फ ओन हायरार्किकल रिलेशनशिप का मतलब क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताइए। एनीबडी हैव डाउट्स? क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलिए अभी अपन, अपना कल भी क्लास रहेगा आपका, मैं वापस बता रहा हूँ, कल भी संडे को भी क्लास रहेगा आपका, इज इट क्लियर? अगले सैटरडे संडे से आप लोगों को संडे के दिन छुट्टी रहते जाएंगे, एडमिन में सिर्फ संडे के दिन ही छुट्टी रहेंगी आपको, लेकिन जब डेवलपमेंट चालू होगा उस वक्त सैटरडे संडे दोनों भी दिन आपको छुट्टी रहेंगी, क्लियर हो गया आपको? लेकिन कल का मैं क्लास लूँगा और कल मैं नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, मैं पहले आपको बता देता हूँ, न्यू टॉपिक